हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि शॉर्ट फिल्म की ऑडियो रिकॉर्डिंग कैसे करें। देखिए, वीडियो तो आप कैमरे से या फिर स्मार्टफोन से अच्छे से रिकॉर्ड कर ही लेते हैं, लेकिन आप ऑडियो को अच्छे से कैसे रिकॉर्ड करेंगे और वो भी एक लिमिटेड बजट में। तो ये आज की वीडियो का टॉपिक है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक शॉर्ट फिल्म बनाने के मोड में हैं तो ये वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि वीडियो के साथ साथ ऑडियो की क्वालिटी जो है वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो कैसे आप कम बजट में अच्छी ऑडियो क्वालिटी पाएंगे, ये मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो फिल्म मेकिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेटेड वीडियोस हमेशा आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। और हमारे न्यू चैनल दृश्य फिल्म्स को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। उस चैनल में आपको हम लोगों के शॉर्ट फिल्म्स, वेब सीरीज ये सब देखने को मिलेंगे और हमारी आने वाली फीचर फिल्म्स की टीजर्स, ट्रेलर्स भी इसी चैनल पर आएगी। तो दृश्य फिल्म्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो उस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उससे कर सकते हैं, या फिर आप YouTube पर डायरेक्टली सर्च कीजिए दृश्य फिल्म्स। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप शॉर्ट फिल्म बनाते वक्त कैसे ऑडियो की रिकॉर्डिंग करेंगे। देखिए, शॉर्ट फिल्म रहे या फीचर फिल्म रहे, मोस्टली सेट पर डायलॉग्स को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। सेट पर बहुत तरह के नॉइजेस होते हैं, तो उन नॉइजेस के साथ में रिकॉर्ड कर पाना ऑडियो को, कैप्चर कर पाना ऑडियो को लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। तो देखिए, हालांकि जो मैं माइक्रोफोन्स के बारे में आपको बता रहा हूं उससे आप ऑन द स्पॉट भी कर सकते हैं ऑडियो रिकॉर्ड, लेकिन ज्यादा बेटर रहेगा कि आप बाद में जब कंप्लीट हो जाती है शूटिंग और एडिटिंग हो जाती है तो अलग से जो डबिंग होती है उसमें आप करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए, शॉर्ट फिल्म हो या फीचर फिल्म हो, ऑडियो में क्वालिटी लाने के लिए साउंड को डब करना ही पड़ता है। देखिए, तो टोटल मैं आप लोगों को आज 3 माइक्स रिकमेंड करने वाला हूं। वो आप अपने हिसाब से देख लेंगे कि आपको किस माइक की जरूरत है अपने बजट के अनुसार। देखिए, सबसे पहले जिस माइक के बारे में बात करने वाला हूं वो है बोया का BY-M1 माइक। देखिए, BY-M1 माइक जो है ये यूट्यूबर्स लोग मोस्टली यूज करते हैं और इससे शॉर्ट फिल्म्स की भी डबिंग हो सकती है। देखिए, इसकी क्वालिटी जो है ये काफी अच्छी है। आप चाहे तो इससे अपने शॉर्ट फिल्म को डब कर सकते हो और फिर बाद में प्रीमियर प्रो में या फिर किसी और सॉफ्टवेयर में आप ऑडियो को और ज्यादा एनहांस कर सकते हैं। बोया का BY-M1 माइक जो है ये बहुत सारे यूट्यूबर्स यूज करते हैं और बहुत सारे शॉर्ट फिल्म्स में भी इसकी यूज होती है। मैं आगे चलकर आप लोगों को जो माइक्स मैं बता रहा हूं सबकी साउंड क्वालिटी भी सुनाऊंगा, तो आप खुद डिसाइड कर पाएंगे फिर कि कौन सा माइक आप परचेस करेंगे। तो एक ऑप्शन आपके पास है बोया का BY-M1 माइक। अब देखिए, मुझे इसमें एक कमी क्या लगती है कि इसमें नॉइस कैंसलेशन जो है ये बहुत ज्यादा नहीं है। तो इससे अगर आप चाहेंगे कि आप कहीं शूट कर रहे हैं और थोड़ी बहुत बैकग्राउंड से नॉइज आ रही है तो वो कैंसिल हो जाए, तो वो इससे संभव नहीं है। नॉइस कैंसलेशन के मामले में बोया का BY-M1 माइक जो है ये थोड़ा सा पीछे आ जाता है। मेरे हिसाब से आप अगर नॉइस कैंसलेशन के साथ लेना चाहते हैं तो आपको माउनो का AU-100 प्रेफर करना चाहिए। ये भी बोया के माइक के जैसे ही एक कॉलर माइक है, आप अपने कॉलर में लगा सकते हैं। देखिए, चाहे बोया का माइक हो या फिर आप माउनो का ले रहे हैं, दोनों ही को आप कॉलर में छिपा करके लगा करके आप आर्टिस्ट की ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। बाद में अगर आप कर रहे हैं, स्टूडियो में कर रहे हैं या फिर किसी भी शांत जगह पर आप कर रहे हैं, तो आप इस माइक से आसानी से कॉलर में लगा करके ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं आर्टिस्ट की। तो आप शूट के समय भी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और शूट के बाद भी, यानी एडिटिंग के बाद जब डबिंग होती है उस समय भी आप इससे कर सकते हैं। अब देखिए, माउनो का जो AU-100 है इसमें सबसे अच्छी फैसिलिटी यह है कि यह बैकग्राउंड नॉइस को काफी हद तक कम कर देता है। तो अगर आप इसे ऑन द स्पॉट शूटिंग सेट पर ही अगर आप रिकॉर्ड करते ऑडियो को तो काफी हद तक आप अच्छे ऑडियो को कैप्चर कर पाएंगे। मैं इसकी भी साउंड क्वालिटी आपको सुनाने वाला हूं, बस थोड़ा सा आपको इंतजार करना है। अब देखिए, ये जो दो माइक्स है ये दोनों कॉलर माइक्स है, बोया का BY-M1 और माउनो का AU-100, और दोनों की प्राइस रेंज जो है ये काफी अफोर्डेबल है। दोनों आपको 1000 के अंडर में मिल जाएगी। तो अगर आपको ये दोनों माइक्स परचेस करने हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक पर जाइए और लिंक पर क्लिक करके आप ये दोनों में से जो भी परचेस करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। देखिए, थर्ड माइक जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है AU-A04। ये जो माइक है ये बिल्कुल प्रोफेशनल माइक्रोफोन है। अगर आप इससे फीचर फिल्म की भी साउंड की रिकॉर्डिंग करते हैं, ऑडियो को रिकॉर्डिंग करते हैं, तो आप कर सकते हैं। क्योंकि जब आप इसमें ऑडियो को रिकॉर्डिंग करते हैं और ऑडियो रिकॉर्ड करके आप प्रीमियर प्रो में या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में उसे एनहेंस करते हैं तो साउंड की क्वालिटी बिल्कुल थिएट्रिकल आती है। ऐसा लगेगा आपको कि आप बिल्कुल सिनेमा थिएटर में साउंड को सुन रहे हैं। अगर आप हेडफोन्स लगा लेंगे या फिर जो होम थिएटर्स रहती है उसमें आप प्ले करेंगे तो आपको लगेगा बिल्कुल कि सिनेमा थिएटर में बैठ करके आप उस साउंड को सुन रहे हैं। तो माउनो का AU-A04 जो है ये बिल्कुल प्रोफेशनल माइक है। हालांकि इसकी प्राइस रेंज जो है ये थोड़ी ज्यादा है,
लेकिन अगर आप इसे परचेस कर लेते हैं तो आप शॉर्ट फिल्म या फीचर फिल्म की भी डबिंग इसे कर सकते हैं। देखिए ये जो माइक्रोफोन है ये आपको 5 to 6,000 के रेंज में मिल जाता है, और प्राइस तो इन सब की घटती बढ़ती रहती है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करके आप परचेस करके प्राइस चेक कर सकते हैं। जब भी आपको लेनी है आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है इसमें जाकर के आप तीनों में से कोई भी माइक सब परचेस कर सकते हैं। अब देखिए मैं आप लोगों को एक एक करके तीनों माइक्रोफोन्स की साउंड क्वालिटी सुनाता हूं। देखिए सबसे पहले मैं जो साउंड क्वालिटी आपको सुना रहा हूं वो रिकॉर्ड की गई है बोया के BY-M1 माइक से। A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स जो है ये 4 months का कोर्स है। इस कोर्स को आपको करने में 4 महीने लगेंगे, और इस 4 महीने में जो आपको सिलेबस है यानी जो चीजें आपको सिखाई गई है इन 4 months में ये बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब जो साउंड क्वालिटी आप सुनने वाले हैं वो रिकॉर्ड की गई है माउनो माइक के AU-100 मॉडल से। बिना हाथ धोए टच कर दिया मुझे। सॉरी भैया, अभी गुस्सा काहे हो रहे हैं, हम किसी ने अभी नाक में उंगली डाला ना और तूने मुझे छुआ कैसे? रुक 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 रुक, साला कोविड अभी खत्म हुआ कि नहीं ये तो कंफर्म नहीं, पर लोगों का डर जरूर खत्म हो गया है, अब तो यही नहाना पड़ेगा मुझे। इसके बाद मैं आपको सुनाता हूँ साउंड क्वालिटी माउनो AU-A04 माइक्रोफोन की। एक तो उसकी मम्मी मेरी कुंडली में नागिन बनकर बैठी है, 2 दिन पहले एक बड़ा सा टेडी बियर गिफ्ट भेजा था प्रीति के लिए, पता नहीं कैसे उसकी मम्मी को मिल गया, साली ने टेडी बियर में सुरुई निकालकर घर की तकिए बना लिए। तेरी ग्रह दशा ना खराब चल रही है, रोज सुबह उठकर तू बिल्ली को दूध और रोटी खिलाया कर, देखना सब ठीक हो जाएगा। हाँ तो कल से तेरे सुबह का नाश्ता मेरे तरफ से, ठीक है? तो ये तीनों साउंड क्वालिटीज आपने सुनी, और अब आप आसानी से डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन सा माइक्रोफोन लेना चाहिए। आप अपने बजट को भी देख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप माउनो AU-A04 ही लेंगे, आप अपने बजट को देखिए, कम बजट है तो आप प्रेफर कर सकते हैं माउनो का AU-100 या फिर आप बोया का BY-M1 भी ले सकते हैं, और अगर आपके पास अच्छे खासी बजट है तो आप फिर माउनो AU-A04 को प्रेफर करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। याद रखिए कि तीनों ही माइक्स को परचेस करने के लिए आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि ऑडियो की रिकॉर्डिंग के लिए परफेक्ट माइक जो है वो कौन सा होना चाहिए। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।